तुम्हारे बाबूजी को अपनी पसंद का खाना खाए हुए बहुत समय बीत गया, इसीलिए मैंने उनकी पसंद की कचोरियाँ, ये बेसन के लड्डू सब रख लिए हैं। अजीब शौक है तुम्हारे बाबूजी के। हाँ अम्मा, बाबूजी के शौक भी अजीब हैं, इंसान भी बहुत ही अजीब है। वरना अपनी पत्नी और अपने बच्चे को मिलने से भला कौन रोकता है, बताओ। एक बार आंटी जी कहीं, बस एक बार, झट से मान गया मेरे पिताजी। रुद्र, ऋषि भैया और भाभी जी का बहुत एहसान मानते हैं, मान करते हैं उनका, और फिर भाभी उनसे बड़ी भी तो है ना, भला उनकी बात कैसे टाल देते वो। हाँ, उनकी बात कैसे टाल सकते हैं, अब सही हो या गलत, टालते तो केवल हमको आए ना हमेशा से। अरे कभी अपनी पत्नी की सुध लिए हैं वो, करवा चौथ हो या छठ पूजा, अरे हमारा जन्मदिन हो या हमारे नाना जी की पहली बरसी, कभी याद किया हमको, कभी नहीं। बात करते हैं। रुद्र, ऐसी बात नहीं है, वो हमारे लिए तो कमाने के लिए गए हैं ना। अरे पर अपने परिवार को कभी याद कर सकते थे कि नहीं, अरे कभी हमसे मिलने आ सकते थे कि नहीं, हमारी याद नहीं आती थी क्या उनको, अरे हमको तो लगता है वो हमसे प्यार ही नहीं करते। चुप कर। अरे तेरे बाबूजी तुझे बहुत प्यार करते हैं, जब उन्होंने ये घर लिया था ना तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अपनी जिंदगी में अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना चाहता हूँ, कम से कम मैं एक छत तो अपने बच्चे को दे ही सकता हूँ, ये कहते हुए उनकी आंखें भर आई थी। गले से लगा लिया था उन्होंने तुम्हें, तब तुम बहुत छोटे थे रुद्र। बेटा फिर कभी भूल कर भी ये मत कहना कि वो हमसे प्यार नहीं करते। तो बस यही सोच के कह रहे थे कि। तो चुप, अब ज्यादा मत सोच, महादेव की कृपा से सब ठीक हो रहा है ना, तेरे बाबूजी को बेल भी मिल गई है और तूने भी सब ठीक से संभाल लिया है, बहुत खर्चा हो गया होगा ना बेटा इसमें। अरे अम्मा, हमसे कह रही हो ना सोचें और खुद सोचने लग गई, तुम क्या सोच रही हो, कैसे किया, कब किया, अरे ये सब छोड़ो यार, तुम मुंबई जाने की तैयारी करो, बस रखो सामान, इस समय तो ये लोग कुर्ता उत्ता रखो बाबू। अच्छा ठीक है हम रख रहे, तुम भी सो जाओ, सुबह नेहा भाभी को भी लेने जाना है, फिर स्टेशन चलना है जल्दी से। आग प्यार करते हैं, हमारे घर को तो गिरवी रखवाने वाले थे बाबूजी। जायस को टाइम पर ब्रेकफास्ट दे देना। ठीक है। अरे सब तैयारी हो गई आंटी जी, और रिक्शा आ गया बाहर। हाँ बेटा, हाँ सब रेडी है। एक मिनट, तुम कहाँ जा रही हो और ये सब क्या है? मॉम, मैं आपके साथ चल रही हूँ मुंबई, आपका ध्यान रखने के लिए और हरी चाचू से मिलने के लिए। मेरे साथ कोई कहीं नहीं जा रहा, और अगर तुम मेरे साथ मुंबई चलोगी तो रच्चू और जैस को कौन देखेगा यहाँ? तो फिर मम्मा हम भी चलते हैं ना साथ में। तुम लोगों को क्या हो गया है, मेरे साथ कोई कहीं नहीं जा रहा, मैं अकेली जा रही हूँ, और जैस का स्कूल अभी अभी शुरू हुआ है, जैस की पढ़ाई का क्या होगा अगर तुम मेरे साथ मुंबई आए तो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर मॉम, आपकी दवाइयाँ। अमू जिद छोड़ो, दवाइयाँ मैं ले लूंगी, दो मुझे, दो मुझे। ध्यान से ले लीजिएगा। ले लूंगी बेटा, डोंट वरी। चलो देर हो, चलो यार लीजिए, मैं पकड़ लेती हूं। अरे अरे अम्मा लाओ। चलो चल। चलो एक दूसरे का ख्याल रखो और रिसेप्शन में जरूर जाना, ठीक है? मेरी चिंता मत करना बेटा, आई विल बी फाइन। मां अब बैठो। आंटी जी आप अम्मा के साथ बैठ के इसमें आइए, जरा सामान वाले ऑटो में आगे साथ है। ठीक है मम्मा, आप अपना ध्यान रखना, मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, आई एम फाइन नाउ। और मॉम प्लीज टाइम पर खाना खाइएगा। ओके मेरी जस्सू, डोंट वरी। प्लीज ख्याल रखिएगा और हरी चाचू को हमारी तरफ से पूछ लीजिएगा, प्लीज। ये शर्मा जी के 2000 रुपए बकाया हैं, पहली तारीख को जाके उनसे चेक ले लियो। साइकिल, घंटियां, आते जाते लोग, थोड़ा कुत्ते भी लिया,
सब दिख रहे हैं तेरे को, सामने बैठा बाप नहीं दिख रहा। अरे कुछ तो शर्म कर। बस बस बस, आज का डांटने का कोटा पूरा। आप तो दुकान से निपटने की तैयारी कीजिए, आज वो दुबे जी के बेटे का रिसेप्शन है ना, वहाँ चलना है हम लोगों को। अरे अभी बहुत टाइम है। कोई टाइम नहीं है, इस बार आपको तैयार होके चलना है हमारे साथ। ऐसे नहीं कि दुकान वाला मेला कुचेला चेहरा लेकर पहुंच जाए वहाँ पे। अरे बड़े लोगों की शादी है, थोड़ा ढंग से तैयार होके चलना पड़ेगा। शादी किसी और की, पैसा हम बर्बाद करें तोहफे खरीदने पर है? दुकान जल्दी बंद करो, वो नुकसान अलग। बाबूजी, वो हम कह रहे थे कि आप और अम्मा ही चले जाइए शादी में, हमारा वैसे भी जाने का मन नहीं है, तो आपके पीछे हम दुकान का ध्यान रख लेंगे। आज पहली बार अकल की बात की है आपने। अरे पिता, तुम्हारा जाना तो जरूरी है शादी में। अरे ये क्या करेगा वहाँ जाकर? अरे ग्राहक आया है, उस पर ध्यान दे, देख क्या चाहिए उसे। आप लड़की से धीरे से बात नहीं कर सकते हैं क्या? अरे आज रिसेप्शन में वो सिंगल साहब है ना, उनका परिवार भी आ रहा है और वो उनकी बेटी भी आ रही है। रामा को लड़की का फोटो तो पहले ही दिखा दिया है, क्या पता आपको उससे मिलने जुलने से, एक दूसरे को देखने से हमारे रामा का रिश्ता ही पक्का हो जाए। क्यों तो देर से ही सही, मेरे साथ रह के अक्ल थोड़ी बहुत तेरे में आ ही गई है। चल रामा तू भी चल। लेकिन बाबूजी दुकान। अरे वाह, आज बड़ा दिल आ रहा है दुकान के ऊपर है। वैसे तो नानी मरती है तेरी यहाँ बैठते हुए, चल चुपचाप। हमारे पीछे अगर रचिता जी आई तो? अब रचिती, मॉम का फोन आया था, वो स्टेशन पहुंच गए और ट्रेन भी टाइम पे है। क्या हुआ, वहां क्या देख रहे हो आप? हाँ कुछ नहीं। जयस कहाँ है? अब पता नहीं, अभी तो यही थी, शायद ऊपर होगी, चेक कर लो। रचिती सुबह से बहुत अपसेट लग रही है वो, चलो ना उसका मूड थोड़ा ठीक करते हैं। चलो रचिती। मॉम चली गई तो बहुत अजीब लग रहा है ना। वो जब भी हमारे साथ होती है हमेशा कहती है कि मैं तुम लोगों का ख्याल रखूंगी, एंड नाउ वो चली गई अभी तो उनकी बहुत याद आ रही है। मुझे भी मॉम की बहुत याद आ रही है। मैं हूं ना, मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगी। ओके हे आप। नो रचिती, मुझे नहीं जाना रिसेप्शन में, आई नो बहुत बोरिंग होने वाला है। हाँ मुझे भी नहीं जाना है। अच्छा, तुम लोगों को शायद याद नहीं है कि मम्मा ने क्या कहा था, हम सबको मिलकर जाना है रिसेप्शन में। और अगर नहीं जाना है ना तो एक मिनट, मैं अभी के अभी मम्मा को फोन करके ना। ओके दादी अम्मा, हम जाएंगे, हैप्पी गुड। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, मुझे चिकलू को भी पढ़ाना है, उसका कल एग्जाम है ना। एक मिनट, तुम रेडी कब होगी और हम सब निकलेंगे कब? दी मैं रेडी होकर ही जा रही हूँ, और आप लोग प्लीज टाइम पर आ जाएगा और मुझे रास्ते में पिक कर लीजिएगा। क्या बात है, तू तो बड़ी स्मार्ट है। चल अब जल्दी से रेडी हो जा, वरना लेट कर देगी हमें भी। मुझे टाइम नहीं लगता है तैयार होने में, मैं 5 मिनट्स में रेडी भी हो जाऊंगी। एंड प्लीज टाइम पर आ जाना मंटू के घर पे। बाय बाय। अम्मू वैसे तुम ज्यादा टाइम लगाती हो, मैं नहीं। यार राइट। और आपका क्या, आप तो पूरा 1 घंटा लेती हो सामान को सिर्फ नीटली लगाने में। OCD क्वीन आई टेल यू। बदमाश। चलो रेडी होते हैं। चलो हो गया। क्या बात है मियां, ये हुआ बढ़िया काम, और वो भी जल्दी। अरे नहीं तो पैरों से चलानी पड़ती अभी हमें मशीन। शुक्रिया मियां। शुक्रिया की क्या बात है बर्फी मियां,
इस बात पे एक शेर तो बनता है मियां। इरशाद, हाँ, वक्त आता तो है मुश्किल सब पर, अर्ज किया है कि वक्त आता तो है मुश्किल सब पर, लेकिन वो आदमी ही क्या जो छुप जाए घबरा कर। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। लो, आज तुम्हारे लिए स्पेशल खीर बना के लेके आए हैं, बादाम केसर डाल के, बहुत ही मजेदार है। खुद तो खा ही लेना और औरों को भी खिला देना, वरना खीर के चक्कर में लोगों के कपड़े खराब कर देंगे ये तो। या, वैसे गुस्से में भी इनका मजाक काबिले तारीफ है। हम तय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मजाक पे शेर कहें कि तारीफ पे। तुम खाली हो ना आज? नहीं, बहुत काम है हमें। क्यों? अरे वो हमारी सहेली का वेडिंग रिसेप्शन है तो हमें वहाँ पे जाना है, और हम घर पे नहीं आ पाएंगे, और चिकू बेचारा अकेला होगा। हाँ तो ठीक है ना, हम घर जल्दी वापस आ जाएंगे। हमारे पास ना एक आइडिया है, बताओ। अपना आइडिया अपने पास रखो उमा, मुझे नहीं सुनना है। अरे मंटू सुनो तो सही, हमारे दोस्त वैसे भी तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं, और हम क्या सोच रहे थे कि तुम और चिकू दोनों हमारे साथ चलो। उमा नहीं आ सकते, बहुत काम है, और चिकू के एग्जाम सर पर है, उसे बहुत पढ़ाई करनी है। अरे दो तीन घंटे के लिए प्लीज प्लीज मंटू हमारे लिए चलो ना। जाना चाहिए, अब इतने प्यार से बुला रही है मियां तो आपको जाना चाहिए। इतने शौक से हमने बनवाई थी वो ड्रेस, लेकिन किसी की वजह से पूरी की पूरी ड्रेस खराब हो गई, और हम पता नहीं क्या पहनेंगे। वो छोड़ो, तुम हमारा कहा भी नहीं मान रहे हो मंटू। अरे ये ड्रेस ना हुई, हमारे फांसी का फंदा बन गई हमारे लिए। एक और बार तूने इस ड्रेस के बारे में बात की ना, तुम कह रहे हैं सच में दे देंगे किसी को, फिर देखे तू क्या करेगी। हमने कल भी बोला था ना तुमसे कि किसी और को देखकर तो दिखा, हम टांगे तोड़ देंगे, उसके हाथ तोड़ देंगे मंटू। अगर तुम नहीं आ सकते हो मत आ, हम खुद को समझा लेंगे, लेकिन एक बात याद रखना मंटू, अगर तुमने हमारी ड्रेस किसी और को दे दी ना, या वो नहीं या हम नहीं, भोलेनाथ की कसम। ठीक है उमा, रिलैक्स, हम वो ड्रेस किसी को भी नहीं देंगे, बस ठीक है। उमा उमा, देखा ना चिदी, मैं आपसे पहले बहुत प्रिटी लग रहे हैं आप, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बस वो ऐसे ही बहुत दिनों बाद हम बाहर जा रहे हैं ना, और वो भी किसी के शादी के रिसेप्शन पर, तो बस ऐसे कम ऑन रची थी, आप किस लूजर के लिए अपने आंसू बहा रही हो जो उनके लायक भी नहीं है। और आज तो मेरी बड़ी बहन बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही है, मुझे तो लगता है कि सबकी नजरें ना सिर्फ और सिर्फ आप पे ही रहेंगी आज। और क्या पता कि आज कोई क्यूट हैंडसम सा लड़का आपको भी पसंद आ जाए। वो क्या कहा था उन आंटी ने कि शादियों में तो शादियों के रिश्ते मिलते हैं दीदी, ऐसे कहा था ना उन्होंने। ये सब बातें तुम कहां से सीखी? टिपिकल इंडियन टाइप। क्या करूं, इंडियन ड्रेस बना दी है मुझे तो थोड़ा तो असर आएगा ही ना। अमू, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, गॉर्जियस, ये ड्रेस तुम पर बहुत सूट कर रहा है। सॉरी मेरा ध्यान नहीं गया पहले, तुम पर इंडियन ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, पहना करो। थैंक यू, पर आपको तो पता है ना रची दी कि ऐसा ड्रेस एक ही है मेरे पास, वो भी इतना ढूंढ के मिला है। अच्छा अपना मेकअप ठीक कर लीजिए, ड्रेस को पिक करना है ना, बस लास्ट मिनट टच अप। मैं हेल्प करूं? नहीं नहीं बस हो गया, अब 2 मिनट लगने हैं। आपकी अंगूठी और घड़ी हमने वही बिस्तर पे रख दी है, जल्दी से तैयार हो लीजिए, देर हो रही है। और हम जरा नीचे जाके देखते हैं कि डिंपल और नीति तैयार हुई कि नहीं। ठीक है, सुनो आज तो बहुत जच रही हो।
चलो तुम तो तैयार हो। प्रीति कहाँ है? क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रही हो? दिनेश ने कुछ कहा है क्या? वो शादी में नहीं जा रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें कहा मैं माजी तो क्या कर सकते हैं, और वैसे भी मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। मैं तो किसी और वजह से परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। स्नेहा दीदी और उनकी बेटियां अगर रिसेप्शन में आ गई तो लोग पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? अरे क्या हुआ भाई, कौन पूछेगा, किसको जवाब देना होगा? वो जी आ गई मेरी गुड़िया, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। आखिर पोती किसकी है? डिंपल परेशान हो रही थी कि हमारी नीति सियानी हो गई है। शादी में लोग इसके रिश्ते के बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? हाँ। अरे जवाब क्या देना है, कह देना गजानन चौबे की पोती है, अभी एक दो साल पढ़ाई पूरी करेगी, उसके बाद देखेंगे। बड़े मालिक, सारे तोहफे गाड़ी में रख दिए। चलो अच्छा हो, आओ चलते। केन को भी अभी पान लेने जाना था, जैस हमारा वेट कर रही होगी, कितना लेट हो गया है। आई नो। भैया, अरे भैया ऑटो साइड में ले लीजिए ना, वो हॉर्न कर रहे हैं पीछे से। भैया आपको बीच रास्ते में ऐसे गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए थी, लोगों का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। क्या हुआ, क्या देख रहे हो आप? हम नहीं, वो रामा की शॉप इस टाइम तो खुली होती है हमेशा, अभी पता नहीं क्यों बंद है। तो फाइनली आपकी बात हो गई ना रामा से? नो नो, उसे मुझसे बात नहीं करनी है, सो मैं भी उससे बात नहीं कर रही हूँ। पर रचिति वो तो अच्छा लड़का है ना, इतनी हेल्प की उसने हमारी, तो अचानक से आप लोगों के बीच में क्या हो गया? अच्छा मंटू ने फोन किया क्या तुम्हें? नहीं। अच्छा प्लीज गुस्सा मत होना, ओके? क्यों, मैं क्यों गुस्सा होंगी? हम जैस को लेने जा कहाँ रहे हैं वैसे? उस मंटू के घर पे। अमू प्लीज, हाँ वहां जाकर शांत रहना, ओके? मुझे तो याद ही नहीं था कि हम उसके घर पे जा रहे हैं जैस को लेने के लिए, अब वो वहां मुझे मिल गया तो? ऑफ कोर्स अमू, उसका घर है ना, मिल सकता है वो वहां पर, बट प्लीज तुम थोड़ा मैच्योर बिहेव करना, ओके? फाइन। इसमें जो भी सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैंने सब मार्क कर लिया है, प्लीज तुम अच्छे से रिवाइज करना। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है अभी ठीक से, और कल तुम्हारा एग्जाम है। आप चिंता मत करो, इस बार हमारे नंबर बिल्कुल अच्छे आएंगे, और हमारे सर का वो चकरा जाएगा। क्या क्या चकरा जाएगा? अरे हमारे टीचर, उनका सर चकरा जाएगा, उनको वो भी आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा? वो चिकलू ऐसे नहीं बोलते। हेलो हेलो जैज, तूने ट्यूशंस दे दी ना चिकलू को? नहीं अमू, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स मोर। तुम कहाँ पर हो? मैं और रचिति बस पहुँच ही रहे हैं। ठीक है तो तुम अंदर आ जाना, और प्लीज मेरे लिए 5 मिनट्स वेट कर लेना। नो नो नो, मैं नहीं आने वाली हूँ, तुम बाहर आ जाना। बट क्यों? मुझे किसी अकड़ू से मिलने का शौक नहीं है। अकड़ू? ओ मंटू, नहीं मंटू तो घर पर नहीं है। ठीक है तो मैं तुझे अंदर लेने आ जाती हूँ, और थैंक गॉड वो नहीं है आज। तुम प्लीज आ जाओ, मंटू घर पर नहीं है। अर्जेंट है? हाँ बुलाया क्या उन्हें? नहीं नहीं नहीं, तुम प्लीज बैठो, वो मेरी बहन थोड़ी वियर्ड है। जैस की बच्ची, तुझसे तो कम ही हूँ, अभी आके बताती हूँ तुझे। पागल। क्या हुआ? वो अकड़ू, आई मीन वो मंटू घर पे नहीं है। अच्छा ही है। अब भैया रुकिए, ये लीजिए भैया आपके पैसे। अम्मू, ये क्या किया तुमने?
से नहीं निकलने होता है क्या रिक्शा से? ये सब कुछ इस स्टूपिड रिक्शा की वजह से हुआ है। मैडम रिक्शा की क्यों गलती दे रहे हो, संभाल कुछ रहो ना। तुम तो एक मिनट टेंशन मत लो, कुछ करते हैं इसका ओके। नहीं नहीं मैं वापस जा रही हूँ। एक काम करिए, आप मुझे वापस ले जाइए जहाँ से आप मुझे लेके आए थे। अभी नहीं बैठाऊंगा, रिक्शे की दोस्त लगा रही हो। मैं अकेली चली जाऊंगी, आप और जैसे रिसेप्शन में जाओ, मैं जा रही हूँ। नहीं, 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 एक मिनट चिल रिलैक्स। तेरे शहर में आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।